छत्तीसगढ़ मंत्रालय में बैकबर्ड में किए जा रहे साइन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अफसरों को समझाई देते हुए कहा कि प्रशासनिक क्षेत्र से जो जानकारियां आ रही है वो चिंताजनक है। 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर कुछ अन्य विषय को लेकर बैक डेट पर साइन कराई जा रही है। काफी सारी फाइलों पर 3 तारीख के बाद बैक डेट पर साइन की गई है। मैं समझता हूं कि ये सरासर गलत है और उचित भी नहीं है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसी गड़बड़ी करना अब बंद करो। अब तो सरकार बदल गई है, अब छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। किस तरह की गड़बड़ी है, क्या चेतावनी थी, क्या जानकारी? नहीं, जो प्रशासनिक क्षेत्र से ये जानकारियाँ छन के आ रही थी और वो चिंताजनक है प्रदेश के लिए कि 3 तारीख के डेट में कुछ वित्तीय विषय को लेकर और कुछ अन्य विषय को लेकर फाइलें बैक डेट में कराई जा रही है और इसमें काफ़ी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन ना हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते और ऐसे कार्यकाल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो, अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। नहीं, जो भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो हमारी घोषणा पत्र है, उसका 100% क्रियान्वयन भारतीय